रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन रायबरेली का अधिवेशन श्री चंद्रशेखर चतुर्वेदी प्रमुख संरक्षक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अध्यक्षता में प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेश रावत व प्रांतीय प्रवक्ता सुनील यादव एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष रमेश यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अधिवेशन के द्वितीय चरण में चुनाव अधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष एवं सहायक चुनाव अधिकारी श्री राजकुमार मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद रायबरेली के देखरेख में संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर जनपद के लैब टेक्नीशियन के साथ साथ रमेश श्रीवसत्ताव शशिबाला सिंह सुमन सिंह अर्चना पांडे सरोजनी तिवारी सुरेश चौधरी राम इकबाल बहादुर सिंह जावेद अहमद अवधेश सिंह ए के जायसवाल विशाल मौर्य भीषम सिंह अभिषेक गुप्ता लवकुश तिवारी प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन रायबरेली के सभी पदाधिकारी सर्वसम्मत से समस्त पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष संजय मधेसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र, उपाध्यक्ष योगेश वर्मा, मंत्री राजकुमार, संयुक्त मंत्री विवेक सिंह, संगठन मंत्री रामनरेश पल, कोषाध्यक्ष जंग बहादुर, संप्रेक्षक अखिलेश तिवारी, संरक्षक विनय श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, चुनाव अधिकारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद रायबरेली। रायबरेली समाचार चैनल की खबर देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। खबर को आगे और भी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चींटियां भी देखिए, घर में जब कहीं चलती हैं तो एक जो आगे चलता उसी के पीछे सभी चली जाती है। उनको आप कभी नहीं देखा होगा यूं करके बाइफर्केट करके नहीं चलती हुई देखा होगा, क्योंकि उनमें एकता है। इसलिए हमें भी एकता के स्वरूप में ही पढ़कर बंद करके अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हों, मुझे एक लिस्ट प्राप्त हुई है, मैं नाम बोल रहा हूं, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो पद फिर से देखा जाएगा, अन्यथा इन्हीं को ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा। सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिए संजय मधेसिया जी का नाम आया है, आप लोग सहमत हैं? नव निर्वाचित अध्यक्ष पद के लिए स्वागत करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र जी, रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन रायबरेली का अधिवेशन श्री चंद्रशेखर चतुर्वेदी प्रमुख संरक्षक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अध्यक्षता में प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेश रावत व प्रांतीय प्रवक्ता सुनील यादव एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष रमेश यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अधिवेशन के द्वितीय चरण में चुनाव अधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष एवं सहायक चुनाव अधिकारी श्री राजकुमार मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद रायबरेली के देखरेख में संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर जनपद के लैब टेक्नीशियन के साथ साथ रमेश श्रीवसत्ताव शशिबाला सिंह सुमन सिंह अर्चना पांडे सरोजनी तिवारी सुरेश चौधरी राम इकबाल बहादुर सिंह जावेद अहमद अवधेश सिंह ए के जायसवाल विशाल मौर्य भीषम सिंह अभिषेक गुप्ता लवकुश तिवारी प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन रायबरेली सभी पदाधिकारी सर्वसम्मत से समस्त पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष संजय मधेसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र, उपाध्यक्ष योगेश वर्मा, मंत्री राजकुमार, संयुक्त मंत्री विवेक सिंह, संगठन मंत्री रामनरेश पल, कोषाध्यक्ष जंग बहादुर, संप्रेक्षक अखिलेश तिवारी, संरक्षक विनय श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, चुनाव अधिकारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद रायबरेली। रायबरेली समाचार चैनल की खबर देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। खबर को आगे और भी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम आज हुआ यहाँ पे, मैं लैब टेक्नीशियन संघ जनता साधक खा रायबरेली का अध्यक्ष संजय मधेसिया। आज जो है कि हम लोगों के लैब टेक्नीशियन संघ
जनपद शाखा रायबरेली का द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ है, जिसमें मुझे जो है कि अध्यक्ष चुना गया, श्री राजकुमार सिंह जी को महामंत्री, उपाध्यक्ष योगेश वर्मा और संयुक्त मंत्री विवेक सिंह, संगठन मंत्री जो है कि आर्यन पाल और कोषाध्यक्ष जंग बहादुर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे राजन जी हैं बने हैं और संप्रेक्षक अखिलेश तिवारी और संरक्षक हमारे विनय श्रीवास्तव जी जो है कि नवनिर्वाचित हुए हैं। शासन प्रशासन द्वारा कभी दबाव पड़ता है तो संगठन के लिए क्या करेंगे आप लोग? शासन और प्रशासन द्वारा अगर दबाव पड़ता है तो हम लोग जो है कि जो भी हम लोगों की मांगे हैं, हम लोग एक जो है कार्यकारिणी जो हम लोग की चुनी गई है नौ कार्यकारिणी, हम लोग आगे आएंगे और शासन से मांग करेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन हड़ताल या जो भी कार्यक्रम हमारे जो प्रदेश स्तर से भी चलाए जाएंगे उसका हम लोग समर्थन करेंगे और अपनी मांगों को जो है कि रखेंगे।